गेम को मैंने इतने दिनों तक ओपन नहीं किया था, आज मैंने पहली बार ओपन करके इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। तो दरअसल चलते हैं बेस को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो हीरोस जिसको मैंने फुल्ली मैक्स करके रखा था, जैसे वार्डन को मैंने फुल्ली मैक्स कर लिया है, किंग यहाँ पे 2 लेवल बचा हुआ है, अभी क्वीन को भी 5 लेवल अपग्रेड करने हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, लैब के अंदर आएंगे, ये सारे चीज़ें बाकी हैं, तुम लोग देख ही सकते हो और समझ ही सकते हो कितना कम टाइम लगने वाला है। अभी हम लोग वर्ल्ड ब्रेकर को लेवल 3 करेंगे और टाउन हॉल 12 के लिए मैक्स कर देंगे। तो मैंने अपग्रेड के लिए डाल दिया है, लगभग हमारे पास अभी कोई रिसर्च पोर्सन तो है नहीं, तो अभी हम लोग चलेंगे पाँचों के पाँचों बिल्डरों को काम के लिए लगाने के लिए। हम लोग आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास चीज़ करने के लिए जो है ये है विजर्ड टावर, यही एक बिल्डिंग है जो कि कितना लेवल हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं तुम लोग तो देख ही सकते हो। तो मैंने इसको अपग्रेड के लिए डाल दिया है। अभी आर्चर टावर ये वाला मैक्स है और साथ में इसका पास में जो है ये वाला 1 लेवल कम है, तो इसको भी हम लोग अपग्रेड के लिए डाल दिया है। तो अभी यहाँ पर गोल्ड लूट को कलेक्ट कर लेंगे, साथ में बाकी सारे सब कुछ कलेक्ट हो जाएंगे। और मैंने जो इतने दिन ऑनलाइन नहीं था तो यहाँ पे इतने सारे गोल्ड एलिक्सिर डार्क एलिक्सिर जमा हुए पड़ा है। अभी हम लोग दूसरे वाले आर्चर टावर को तो अपग्रेड के लिए डाल दिया है, लगभग तीनों के तीनों बिल्डरों को हमने काम के लिए लगा दिया है। अभी हम लोग हीरोज को अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इनफ डार्क एलिक्सिर नहीं है, और एलिक्सिर तो भर भर के हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं है। हमारे पास आर्मी तो ट्रेन है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अटैक के लिए चलेंगे। तो अटैक के लिए चलने के लिए हमारे पास जो आर्मी है इनफ है, इलेक्ट्रो ड्रैगन की आर्मी इनफ है, चलते हैं अटैक के लिए। तो हाँ, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा गोल्ड है, ऐसा एक बेस हमें मिल चुका है जैसा कि तुम देख सकते हो। ये थोड़ा नूब बेस है तो इसके ऊपर 3-स्टार अटैक तो हमें करना है ही, तो अप्लाई करते हैं हमारे आर्मी। जैसे यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे सारे के सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन बलून्स, थोड़ा गलत डिप्लॉय कर दिया है मैंने, गैप रह गया बीच में, ये गलत है। तो बुढ़ाव की एबिलिटी भी मैंने जल्दबाजी में मतलब टैप कर दिया, तो बुढ़ाव की एबिलिटी दे दी मैंने, ये गलत है। और हीरोज़ को हमेशा मैं सबसे बाद में डालता हूँ तो अच्छा रहता है, एक बैकअप जैसा। तो स्पेल अभी जो जो बाकी हैं वो तो इन्वेस्ट मैं कर ही दूंगा, और यहाँ पे 2-स्टार 3-स्टार भी आ सकता है, ऑब्वियसली 3-स्टार क्यों नहीं आएगा, लेकिन हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि कितने जल्दी 3-स्टार आता है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि 3-स्टार आ सकता है। तो यहाँ पे एक जो फ्री स्पेल था, बाकी जो 3 फ्री स्पेल थे मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया है, और यहाँ पे एक सिंगल टारगेट इन्फर्नो और एक एयर स्वीपर जो कि इलेक्ट्रो ड्रैगन के सबसे बड़े जानी दुश्मन हैं, ये लोग साथ में भिड़ चुके हैं। लेकिन हमारे पास बैकअप के लिए जो किंग और जो क्वीन था वो हमने डिप्लॉय कर दिया है। अभी ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पे काम करेंगे अपना अपना, क्योंकि मैंने इसको डार्क एलिक्सिर बहुत ज़्यादा पिलाया है तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये वाला अटैक 3-स्टार हो सकता है, क्योंकि टाइम तो बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल टारगेट इन्फर्नो और ये जो क्वीन की एबिलिटी हमारे पास से चली गई, ये मुझे नहीं लगता कि 3-स्टार हो सकता है। फिर भी हम लोग वेट करेंगे, हम लोग ने किंग की एबिलिटी दे दी है और टाउन हॉल, और ये जो टेस्ला ही बचा हुआ है अपग्रेड करने के लिए टॉर्नेडो के अंदर फंस चुका है, और ये 100% 3-स्टार निकल के आ चुका है। तो ये वाला अटैक तो ख़त्म हो गया, हम लोगों को बहुत अच्छा खासा अमाउंट में सारे लूट मिले, ज़्यादातर गोल्ड के लूट मिले। और अभी क्या है, हमारे पास CWL का एक अटैक बच चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं एक ही अटैक, इसके पीछे वाले दिन का अटैक हम लोग हार चुके थे। तो कोई बात नहीं, हम लोगों के सामने टाउन हॉल 11 का बेस आ चुका है, थोड़ा स्काउट करके देख लेंगे, स्काउट करके देखने में कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या समझ में आ रहा है, वो सीजी मशीन, उसका नाम है लॉग लॉन्चर, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। एक प्लान मेरे अंदर है जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और ये ईड्रैग आर्मी से कम्प्लीटली 3-स्टार हो जाएगा। हमारे पास आर्मी तो ट्रेन हुए पड़ा है, अभी हम लोग CC ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास रेड मेडल्स बहुत सारे हैं जो कि हम लोग इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो हमारी CC के अंदर वही घिसा पिटा चीज़, सारे के सारे बलून्स, फ्रिज फेल, साथ में लॉग लॉन्चर होता है। CC भी पहुंच चुकी है और हम लोग चलेंगे अटैक करने के लिए। तो चलते हैं डायरेक्ट अटैक पे, क्लिक कर देते हैं और हम लोग अटैक के लिए आ चुके हैं। अभी क्या करेंगे, देखो जहाँ पे CC के साइड से जो एयर डिफेंस और इन्फर्नो टावर है उसको हम लोग तोड़ देंगे। तो
सीसी भी थोड़ा डाउन हो जाएगा, अभी नेट का दिक्कत चल रहा है तो कोई मैटर नहीं करता वो। तो मैंने दोनों हीरोज और सीसी को, मेरा सीसी को डिप्लॉय कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे जो हीरोज हैं वो ओपोनेंट की सीसी को डाउन करेगा और ये वाला लॉग लॉन्चर अपना काम करता रहेगा। तो यहाँ पे इस साइड से मैंने जहाँ पे 9 o'clock है वहाँ पे मैंने अपना आर्मी डिप्लॉय कर दिया है। अभी सीसी के अंदर से उनका निकल के आ चुका है बलून्स और इलेक्ट्रो ड्रैगन, जो कि बेकार है भैया, बेकार है। तो हमने यहाँ पे एयर स्वीपर को फ्रीज़ कर दिया, साथ में यहाँ पे हमें फ्रीज़ करना चाहिए था, मतलब अभी तो हमारे पास फ्रीज फ्यूल बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो जब हमारी आर्मी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, ये इन्फर्नो टावर के पास आएगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, अपना फ्रीज फ्यूल डिप्लॉय कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो आर्मी इलेक्ट्रो ड्रैगन की और सारे के सारे हीरोज, तो इन्फर्नो टावर जो सिंगल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे नेट की दिक्कत तो चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये स्पेल डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो बुढ़ाव की 2 hits यहाँ पे बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि देखो बुढ़ाव तो मर चुका है लेकिन उसका हिट कोई काम नहीं किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज स्पेल को यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि इन्फर्नो टावर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये जो रेड स्पेल है ये ज़रूरत नहीं होगी उतना, क्योंकि देखो क्या ज़रूरत होगा। यहाँ पे स्वैग कर देते हैं रेड स्पेल को, और जो आर्मी और जो चीज़ें यहाँ पे बचे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बेस को 3-star होने से क्लैश ऑफ क्लैंस का बाप भी बचा सकता है। तो 99% और ये एक हिट गया 100% 3-star। हमको मिल चुका है वायर में 3 stars और अच्छा खासा लूट, क्योंकि हमें 3-star करना था, वो हमने तो कर दिया। अभी एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अचीवमेंट क्लियर हुआ है ये मुझे लगता है। तो हमने वायर का स्टार तो कंप्लीट कर दिया, ये वाला अटैक हम लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि टाइम है लेकिन वेट करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ तो हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिप्लॉय मतलब बैठा देंगे सारे के सारे आर्मी, क्योंकि हमें ज़रूरत है, हम लोगों को अटैक करने के लिए बाद में चाहिए होगा। हम लोगों को जो चीज़ें मिलना था वो तो मिल चुका है, अभी हम लोगों ने जो चीज़ें अपग्रेड में लगाना था हमने लगा दिया है। हीरोज़ को हम लोग बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ लूट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।